पराग भावसार वाड़ी के निवासी है और मुंबई फिल्म उद्योग में एक कलाकार और निर्देशक के रूप में काम करते हुए किसानों के जीवन और काम पर ब्रांड शेतकरी नामक एक टेलीफिल्म बनाने के लिए वाड़ी के पास दौलामिट्टी के पास शिकारा फिल्म सिटी में उन्होंने इस टेलीफिल्म के लिए वाड़ी और दौलामिट्टी क्षेत्र के मुख्य और कुछ सहायक कलाकारों को चुना है, जिससे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। इससे स्थानीय कलाकारों को कला के क्षेत्र में काम करने का अच्छा अवसर मिला है। इस संबंध में लघु फिल्म ब्रांड शेतकरी के प्रभारी पराग भावसार ने कहा कि यह टेलीफिल्म आधुनिक किसानों के विकास और कार्य के संदर्भ में बनाई जा रही है। वाड़ी निवासी रोहित वसंत लांजेवार इस टेलीफिल्म के लेखक है। स्थानीय वाड़ी नागपुर के कलाकार को स्थान देने के निर्णय के अनुसार डॉक्टर भीमराव मेश्राम, गोपीचंद भंडारकर, नागपुर के वरिष्ठ अभिनेता संजय भाकरे के साथ श्रद्धा तेलंग, रोहित लांजेवार, हर्षल जोलकर, माथुरी चिलकुलवार, सुरभि लांजेवार, सीमा सतपाल, सोनू भोई, संतोष इटनकर को अभिनय का मौका दिया गया है। खास बात यह है कि वाड़ी की कला और गायन क्षेत्र के शिवराज सिंह राजकुमार इस टेलीफिल्म में एक आधुनिक किसान की भूमिका निभा रहे हैं। कोरियोग्राफर नीतू कुशवा और उनके डांस आर्टिस्ट टीम वाड़ी इलाके के रहने वाले हैं। रविवार की सुबह इस टेलीफिल्म की शूटिंग दौलामिट्टी के सरपंच गजानन रामिकर, शिकारा फिल्म सिटी के निदेशक अबू खान, पूर्व जिला सदस्य सुजीत नितनौरी, टुगेदर वी फाइट फाउंडेशन के अध्यक्ष राजकुमार वानखेड़े, दौलामिट्टी के सामाजिक कार्यकर्ता सुनील दुबे, सुशील बाउनी, संतोष सिंह, रोशन बिडवाई, सचिन खिलाड़ी की उपस्थिति में संपन्न हुआ। दौलामिट्टी के नागरिक बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें इस अवसर का लाइव फिल्मांकन देखने को मिला। इस अवसर पर पराग भावसार ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि शिकारा फिल्म सिटी के निर्माण से नागपुर और विदर्भ में कला के क्षेत्र में कलाकारों और निर्माताओं को अच्छा अवसर और स्थान उपलब्ध हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवराज सिंह राजकुमार, शिवेद ग्रुप का संचालक। हमारे मित्र पराग भावसार जी, जो कि वाड़ी से ही ताल्लुकात रखते हैं और अभी जो उन्होंने नई मूवी जो बनाई है, जो बन रही है, बहुत जल्द आप लोगों के सामने आएगी। सही कहा है इन्होंने कि वाड़ी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में कई ऐसे कलाकार हैं जिनको प्लेटफॉर्म अभी तक नहीं मिला, पर अक्सर यहाँ पर है। मैं चाहता हूँ कि जिसमें जो भी कलाएं छुपी है वो आए, अपने सामने आए, घर से बाहर निकले और अपने इस क्षेत्र का भी जो भी आप में टैलेंट्स है वो दिखाए। हम बहुत जल्द एक टैलेंट शो भी लेने वाले हैं वाड़ी में और सबकी सेवा के लिए मैं हमेशा की तरह, मेरा शिव इवेंट स्टूडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल रेडी रहेगा। दोस्तों कभी भी आइए और पराग सर का और हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद कहना चाहूँगा कि जिस आदमी ने कभी मूवी में एक्टिंग नहीं की, जस्ट लाइक मी, तो मुझे भी इसमें एक श्रीमंत शेतकारी की भूमिका मुझे इन्होंने दी और मैंने उसको बहुत अच्छी तरह निभाने की कोशिश की। जब भी मूवी लॉन्च होगी दोस्तों, आप लोग जरूर देखिएगा। आपका प्यार हमेशा हमारे साथ रहे ऐसी उम्मीद करते हैं दोस्तों। थैंक यू। आपका लाडला पराग भावसार, बड़ी खुशी हो रही है। वाड़ी क्षेत्र में अब अच्छी सांस्कृतिक चहल पहल होने लगी है। जब मैं स्ट्रगल पीरियड में था तो मुझे स्टेज अवेलेबल नहीं था, स्टूडियो नहीं था, मार्गदर्शन करने वाले लोग नहीं थे, क्या होना चाहिए, कैसा जाना चाहिए, किससे मिलना चाहिए। अब यहाँ वाड़ी क्षेत्र में जितने भी नए कलाकार हैं उनको योग्य मार्गदर्शन देने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरा 25 से 30 साल का एक्सपीरियंस है और मैं वाड़ी क्षेत्र में ही अपना करियर स्टार्ट किया था, तो मुझे लगता है कि यहाँ के कलाकारों को मैं अच्छा सहयोग कर सकता हूँ और उसकी पहल मैंने कर ली है। हमारे कुछ मित्र वर्ग है जिन्होंने हमारे साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए है। फिल्म का नाम है ब्रांड शेतकरी। अभी शिकारा फार्म जो दौलामिट्टी में है, बहुत बढ़िया एरिया है, बहुत अच्छा स्टूडियो कहा जा सकता है, जिसमें एक अच्छा प्रोजेक्ट किया जा सकता है, शूट किया जा सकता है। और मैंने इतने 25-30 साल में देखा, वाड़ी में भी बहुत अच्छे अच्छे कलाकार है, डांसर्स है, सिंगर्स है, म्यूजिशियंस है, तो इन लोगों को एक स्टेज मिलना बहुत ज़रूरी है। वो अब मिल सकता है और उसका मैं माध्यम बनना चाहूँगा। तो जिस किसी भी कलाकारों को योग्य मार्गदर्शन चाहिए होगा तो मैं आप लोगों के लिए हरदम अवेलेबल हूँ। धन्यवाद। एनबीसी न्यूज़ के लिए वाड़ी से संवाददाता की रिपोर्ट।